बॉलीवुड स्टार किड्स में से एक और सबसे क्यूट तैमूर अली खान का 20 दिसंबर को बर्थडे था। उनका बर्थडे पटौदी हाउस में सेलिब्रेट किया गया था। इस मौके पर घर का हर सदस्य मौजूद था, लेकिन तैमूर के मामू रणबीर कपूर नदारद रहे। खबरों के मुताबिक रणबीर खुद इस खास मौके का इंतजार कर रहे थे। वे तैमूर और करीना दोनों के बेहद करीब है, लेकिन अपने वर्क कमिटमेंट के चलते रणबीर का जाना नहीं हुआ। तैमूर के बर्थडे पर बबीता, रणधीर कपूर, शर्मिला टैगोर, करिश्मा कपूर, उनके दोनों बच्चे अमृता अरोड़ा, उनके पति और उनके दोनों बच्चे शामिल हुए थे। 22 दिसंबर को तैमूर अपनी मम्मी करीना और पापा सैफ के साथ मुंबई लौट आए हैं। बीते शुक्रवार सैफ करीना के साथ तैमूर को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया था। एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर से जब बेबी तैमूर के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया, मैं तैमूर से तब मिला जब वो मात्र 3 महीने का था और उस वक्त तैमूर एक आम बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जब मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पर उसकी वायरल होती तस्वीरें देखी तो मैं चौंक गया और मेरा पहला रिएक्शन था कि ये कौन है। सच में तैमूर करीना और सैफ का परफेक्ट कॉम्बो है। अब तो मुझे बस तैमूर के बॉलीवुड में एंट्री का इंतजार है। वो अभी से ही अपने लुक से अपनी फैन फॉलोइंग बना चुका है। बता दें कि रणबीर इन दिनों संजय दत्त पर बन रही फिल्म की शूटिंग में भी जी में हैं। उनका एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वो बिल्कुल संजय दत्त के लुक में दिखाई दे रहे थे। उनकी इस फोटो को देखकर ही पता लग रहा है कि फिल्म के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म में दिवंगत नरगिस दत्त का रोल मनीषा को इराला ने निभाया है।